हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में भी MI का एंड्रॉयड TV है और अगर आप होम थिएटर उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आज किस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मुझे कौन कौन से एसेसरीज की जरूरत पड़ी है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि MI के एंड्रॉयड TV के अंदर 3.5 mm जैक नहीं आता है और जिसके कारण से आप अपने होम थिएटर को 3.5 mm जैक के जरिए जो कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके होम थिएटर में HDMI पोर्ट है तो आप डायरेक्टली आप कनेक्ट करके बजा सकते हैं, लेकिन अगर 3.5 mm नहीं है तो आप नहीं बजा सकते। लेकिन अगर हमारे पास में पुराने मॉडल के बहुत सारे लोग हैं जिसके पास में कुछ थोड़े से पुराने मॉडल के होम थिएटर होते हैं, लेटेस्ट नहीं होते हैं, अब उसमें HDMI पोर्ट आपको नहीं मिलता है, ना ही ब्लूटूथ भी मिलता है, तो आप जाकर उस होम थिएटर को हम अपने MI TV के साथ में कनेक्ट कैसे करें, आज की इस वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एसेसरीज हमें चाहिए होगी उसको हम देख लेते हैं और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट सारे के सारे एसेसरीज देखते हैं और साथ ही साथ हम प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से हम अपने होम थिएटर को अपने MI TV से कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि MI TV के अंदर 3.5 mm जैक नहीं है, तो इस कन्वर्टर के जरिए हम जो है डिजिटल ऑडियो को एनालॉग में यानी होम थिएटर के लिए हम कन्वर्ट करने वाले हैं। और आप जो है यही वाला प्रोडक्ट अमेजन से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सिंपली आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। ये प्रोडक्ट मैं लेने के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में आपको जो भी केबल्स की जरूरत पड़ती है वो केबल्स आपको इसके साथ में मिलता है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करके देख लेते हैं किस तरीके का प्रोडक्ट है। सो ये है हमारा बॉक्स जिसे हम बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। साथ ही साथ पोर्ट की बात करें तो एक साइड में आपको एक पोर्ट इधर मिल रहा है और साथ ही साथ आउटपुट में आपको दो पोर्ट मिल रहे हैं, इनपुट यानी ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, हम इसी के थ्रू जो होम थिएटर को कनेक्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक चार्जर जो कि 5 वोल्ट का है। ठीक है, एक ये केबल हमें मिल जाता है, ओके देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 mm जैक लग जाएगा जिसमें हम होम थिएटर के केबल को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम जो डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर है इसके थ्रू हम इस वायर से कनेक्शन लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का वायर है, इसे बोला जाता है ऑप्टिकल केबल। ठीक है, लेकिन जो MI TV है, MI TV के अंदर ऑप्टिकल केबल का ऑप्शन नहीं है, तो ये बाकी और कई जगह पर ये काम कर सकता है, तो ये केबल भी आपके यूज में कभी न कभी ज़रूर आएगा, तो ये केबल भी आपको साथ में मिल जाता है। अगर ये अमेजन से सिर्फ और सिर्फ अगर ये आप केबल परचेज करते हैं तो कम से कम 200, 250, 300 रुपये की आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिल रही है। अब इसके साथ में आपको कुछ और एसेसरीज की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपका जो होम थिएटर है, होम थिएटर के अंदर ऑक्स केबल लगाने का ऑप्शन होगा या फिर डायरेक्ट वायर उससे निकला हुआ होगा, तो आपको ये 3.5 mm, ठीक है, ये आपको जरूर जरूरत होगी। एक हम लगा देंगे होम थिएटर में और एक हम केबल के जरिए आउटपुट लेंगे, अभी मैं सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो दो पिन वाली वायर है, दो पिन में से मुझे एक पिन की जरूरत होगी, जैसे कि ये लाल है तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक वायर इसमें से निकाल लूँगा और एक वायर की मुझे ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे TV से इसके अंदर लाइन देने के लिए इस केबल की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑप्टिकल केबल वाला ऑप्शन TV के अंदर नहीं है। ठीक है, HDIF वाला है। तो चलिए अभी सारा कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चलिए फटाफट से हम सारा का सारा कुछ ऑन करते हैं और बाकी आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ किस तरीके से आप जो कनेक्शन कर सकते हैं। गाइज, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरे पास होम थिएटर है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये पेनासोनिक कंपनी का होम थिएटर है, 2.1 चैनल विथ ब्लूटूथ। लेकिन इस होम थिएटर को जब मैं अपने MI TV के साथ में जब कनेक्ट करके साउंड वगैरह सुनता हूँ तो मुझे प्रॉपर साउंड नहीं आ पा रहा है। कहने का मतलब मेरे होम थिएटर में जितना अगर 100% साउंड है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे TV के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट करने पे आउटपुट सिर्फ और सिर्फ मुझे 25% ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे TV के साथ ही कनेक्ट करने में मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम मुझे मोबाइल से भी होती है। अगर मेरे पास वीवो का V7 है उसके थ्रू जब मैं कनेक्ट करके होम थिएटर को बजाता हूँ तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, लेकिन उसी की जगह पर जब मैं S9 प्लस लेटेस्ट मोबाइल के जरिए अगर मैं कनेक्ट करके बजाता हूँ तो मुझे उसमें बिल्कुल साउंड आउटपुट मुझे मिलता नहीं। मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास अभी होम थिएटर है उसकी ब्लूटूथ जो है
जो भी है वो पुराने वर्जन का है, अब उसमें हम उसे अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। और टीवी जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन ब्लूटूथ के साथ आता है, तो दोनों में कंपेटेबल नहीं हो पा रहा, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक मुझे वही लगता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक ऑडियो कन्वर्टर हम मंगाते हैं और हम अपने होम थिएटर को डायरेक्टली टीवी से वायर के जरिए हम अपने होम थिएटर को कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमें आउटपुट जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अभी जो मेरा टीवी है अभी ब्लूटूथ के जरिए मेरे होम थिएटर से कनेक्ट है, तो एक बार मैं आपको कोई भी वीडियो, मैं अपना ही वीडियो चला करके मैं आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ कि ब्लूटूथ पे आवाज़ कितना आता है। चलिए एक वीडियो प्ले करते हैं। आई थिंक आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम जो है बिल्कुल 50% है यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम 50% है। मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी नंबर की मदद से, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, आप कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पता कर सकते हैं कि आपके गाड़ी या फिर किसी और की गाड़ी का इंश्योरेंस या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हुआ। सो आई होप गाइस कि आप नहीं हुआ है उसकी वैलिडिटी, सो आई होप गाइज कि आप बिल्कुल आवाज़ सुन पाए होंगे। बिल्कुल भी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 50% भी वॉल्यूम कर देता हूँ तो मैं अगर सामने बैठ कर टीवी देखता हूँ मुझे प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं दे पाता, इतना ज़्यादा वॉल्यूम डाउन है। तो सो उसी चक्कर में मैंने ये सारा का सारा प्रोडक्ट मंगाया हुआ है। ब्लूटूथ के जरिए जब मैं कनेक्ट करता हूँ होम थिएटर को, तो उससे ज़्यादा बेस्ट आवाज़ मेरे टीवी का ही है। अगर मैं ब्लूटूथ से कनेक्शन हटा करके डायरेक्टली अगर मैं टीवी के ही साउंड से अगर मैं सुनता हूँ कोई भी फिल्म को देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, लेकिन जब होम थिएटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ तो बहुत ही आवाज़ कम हो जाती है। तो जब होम थिएटर है तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ एक प्रोडक्ट है जो कि हमें मंगाना होगा उसके थ्रू अगर हम कनेक्ट कर पाए तो चलो ट्राई करते हैं। और जब मैंने कनेक्ट किया, मुझे बेस्ट रिजल्ट तो नहीं मिला लेकिन इतना मिला कि मैं कोई भी मूवी कोई भी साउंड और गाने वगैरह सुन सकता हूँ, जिसमें मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है पहले से अभी में, ठीक है। तो अब जाकर के फटाफट से हम सारा कुछ कनेक्शन कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मेरा ऑडियो कन्वर्टर है इसे अभी हमने पावर दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर अभी देख सकते हैं सिग्नल आ चुका है, ब्लू लाइट जल रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने पावर दिया हुआ है। उसके बाद जो वायर हमें इसके साथ में मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो पोर्ट दिए गए हैं, ये आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे को ये वाली जो केबल मिली हुई है, ओके, इस केबल का रेड में रेड हम अटैच कर देंगे, और वाइट में वाइट, ठीक है। अभी हमारा आउटपुट तैयार है और इस वाले ऑप्शन में हम अपने होम थिएटर का 3.5 mm जैक इसमें अटैच करेंगे, ओके। ये मेरा होम थिएटर का वायर है जिसे मैं इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, ओके। अब हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बताया था, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, 30-40 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। हमने बताया कि आपको एक केबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, चलिए हम इसमें से लाल को यूज़ कर लेंगे, वाइट भी रहने देते हैं इसमें। जो रेड वाला हिस्सा है, एक जो हमारे पास इनपुट वाला इस वाले पोजिशन पर हम यहाँ पर लगा देंगे, ओके। अब ये रेड वाला पोजिशन हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसका जो रेड वाला पोजिशन है हम टीवी के HDIF वाले ऑप्शन पे अटैच करेंगे। सो गाइस देखिए हम टीवी के बैक साइड में आ चुके हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टीवी के अंदर यहाँ पे HDMI पोर्ट वगैरह दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो होम थिएटर है उसके अंदर HDMI पोर्ट नहीं है, जिसके कारण से मैं HDMI पोर्ट का इस्तेमाल अपने होम थिएटर को यूज़ करने के लिए नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए हमें नीचे वाले सेक्शन के अंदर और हमें कुछ पोर्ट मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आ रहा है वीडियो, सेकंड नंबर पे AV इनपुट, थर्ड नंबर पे R लिखा हुआ है और फोर्थ नंबर पे S/PDIF जिसे हम SPDIF बोलते हैं, और साथ ही साथ लास्ट वाले ऑप्शन में हमें मिल जाता है देख सकते हैं नेटवर्क, जिसमें कि हम इथरनेट केबल डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो अब जाकर के हम जो केबल जो हमारे पास बची हुई थी वो केबल को हम यहाँ पे SPDIF वाले ऑप्शन में ऐड करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं ये SDIF वाला पोर्ट है, तो हम इसमें यहाँ पे अटैच कर देते हैं इसको।
सो गाइस सारा का सारा फिजिकल वायर के साथ कनेक्शन वगैरह करने के बाद आपको टीवी की सेटिंग्स में साउंड में जाकर के कुछ आपको सेटिंग्स करनी होगी। उसके बाद जो आपका SPDIF वाला ऑप्शन वर्क करना स्टार्ट कर देगा होम थिएटर के साथ में। उसके लिए हमें जाना होगा टीवी की सेटिंग्स में, यहाँ पे हमें जाना होगा डिवाइस एंड प्रेफरेंसेस में, ओके करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड, साउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्पीकर्स, स्पीकर पे क्लिक करेंगे। और अभी देखिए डिफ़ॉल्ट में ये टीवी स्पीकर के ऊपर है, ठीक है। अभी हमें कर देना होगा SPDIF, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने कनेक्शन जो लिया हुआ है टीवी से आउटपुट, वो SPDIF के जरिए आउटपुट लिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और हम बैक आ जाएंगे। तो चलिए अब हम एक कोई भी वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गाड़ी नंबर की मदद से, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, आप कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पता कर सकते हैं कि आपके गाड़ी या फिर किसी और की गाड़ी का इंश्योरेंस या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसकी वैलिडिटी कब तक की है। सो गाइज, आप देख पाए होंगे कि पहले जब हमने आपको ब्लूटूथ के थ्रू अपने होम थिएटर को कनेक्ट करके कोई एक वीडियो प्ले करके दिखाया था तो साउंड आउटपुट मुझे सिर्फ और सिर्फ 25% नजर आया था। लेकिन जब अभी हमने एक बॉक्स यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू जब हमने कन्वर्ट किया ऑडियो, तो मुझे आउटपुट अभी 75% तक मिल रहा है। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे 75% तक मिल रहा है। और मैं अगर कोई भी मूवी देखूँ, कोई भी सॉन्ग सुनूँ या कोई भी सीरियल वगैरह कुछ भी अगर मैं एनी चीज़ मतलब देखूँ यहाँ पे वॉच करूँ, तो मुझे साउंड से रिलेटेड उतनी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे एक हॉल के अंदर जो टीवी लगा कर रखा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आसानी से मुझे सारा कुछ बेस वगैरह जो इसके अंदर है, बेस वगैरह भी आउटपुट बिल्कुल अच्छा है। कहने का मतलब फुल साउंड तो नहीं मिल पा रहा है, 75% तक मुझे मिल रहा है। जब हम कोई एक मूवी को वॉच करते हैं और मूवी को वॉच करने में जब उसके अंदर डॉल्बी साउंड होता है, तो कमाल की बेस जो निकल करके आती है, कमाल की आती है। क्योंकि जो मैंने होम थिएटर लिया हुआ है इसके अंदर बेस बहुत ही अच्छा है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि हम अपने MI TV को अपने होम थिएटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमें साथ ही साथ कौन कौन से एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप वो एनालॉग कन्वर्टर अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो, कहीं पे अगर आप लग रहा है कि आपको उस चीज़ को सेटिंग को नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको दिक्कतें आ रही है या फिर आपका टीवी जो कनेक्ट होम थिएटर से नहीं हो पा रहा है, कुछ भी चीज़ें दिक्कत हो रही है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके सवाल होंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।